गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हमारी वीडियो। सो गाइस, आज से क्या मैं एक और एक तगड़े वीडियो के साथ में। सो आपको बहुत दिन से मैं मतलब हिंट दे रहा था एक स्पोर्ट्स का सुपर कार। सो फाइनली आ चुकी है एक सुपर कार। सो उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कौन सी कार है। सो अभी हम आए हुए हैं फिर से बर्लिन मोटर्स में, देख सकते हो बर्लिन मोटर्स। सो आपको दिखा देता हूँ। सो हियर इज़ द पोर्शे, देख सकते हो। सो अभी इसके ऊपर थोड़ी बहुत धूल है और थोड़ा बहुत काम था, इसके ऊपर काम हो चुका है। सो अभी इसकी वॉशिंग ही, सो वॉशिंग करते हैं अभी इसकी। सो अभी पोर्शे को थोड़ा सा आगे ले रहे क्योंकि अभी इसको थोड़ा बहुत वॉश करना है, क्योंकि यहाँ पे रोड है, मेन रोड। सो उसकी वजह से धूल बहुत थोड़ी आती रहती है, दिन में कपड़े लगते हैं, बट फिर भी एक टाइम मैंने बोला वॉश कर दो अच्छे से, आप लोग को एकदम अच्छी गाड़ी चमकती हुई दिखना चाहिए। सो देख रहे हो क्या इंटीरियर है, मसाला सब दिखेंगे भाई ये वीडियो में। ये वीडियो में आपको ऑल चीज़ बता देंगे। सो ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, फुल वीडियो बनाने वाले मस्त वाली। उसको यहाँ पे पार्क कर दिया है, अभी इसकी करते वॉशिंग। कर दो भाई वॉशिंग, सभी इसको वॉश करते भाई पोर्श को। तो भाई वॉशिंग चालू हो चुकी है, सभी लेते हैं इसकी थोड़ी बहुत सिनेमैटिक। सो भाई अपनी गाड़ी वॉश हो चुकी है, आ चुकी है और यहाँ पर अभी पार्क हो चुकी है। सो अभी लेते हैं इसका वीडियो। और आई सके से क्या प्यारी लग रही है यार, वहाँ पर भी चेक करो, यहाँ पर साइड में देख रहे हो। सो अभी चलते हैं, इसके पूरी चीज़ आपको बताते हैं, सिनेमैटिक्स, गाड़ी के शॉट्स, सिनेमैटिक्स तो आएंगे बट अभी सब आपको फंक्शन बताते हैं। तो भाई यहाँ पर है पोर्श की देख रहे हो। सो अभी अंदर बैठते हैं और आपको थोड़े फंक्शन बताते हैं। सो आ चुके हम पोर्श में। आज हमारे साथ में गाइड करने के लिए सलमान भाई। सो सलमान भाई बताओ ये गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। तो ये है पोर्शे मकान। ये 2 लीटर इंजन है, पेट्रोल इंजन। ठीक है, इसके अंदर पैरानोमिक सनरूफ मिलेगा आपको। इसका जो कंसोल है वो फुल्ली लोडेड है, इन्फो सिस्टम टच स्क्रीन है, इनबिल्ट नेविगेशन है और इसका बेज इंटीरियर है। ये जो इंटीरियर है इस गाड़ी से और ज्यादा लुक्स आता है। ओके, और इसके जो सीट्स है ये प्लस मतलब कि वेलवेट सीट है। हां ये थोड़े मतलब यूनिक से, मतलब कॉमन नहीं है। यस, तो इसके अंदर आपको मिलेगा ये 3 जोन एसी है इसके अंदर। हां 3 जोन एसी इसके अंदर। एरोमेटिक सस्पेंशन है, एरोमेटिक सस्पेंशन, ऑफरोडिंग कार है। ओके, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कमांड सिस्टम है और इसमें 8 एयरबैग्स है। 8 एयरबैग्स, अच्छा। ऑफरोड और एयर, और ये गाड़ी मैनुअल है ना? नहीं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक प्लस ऑटोमेटिक दोनों है। इसमें पैडल शिफ्टर भी है, पैडल शिफ्टर भी है भाई। सो ठीक है, अभी एयर सस्पेंशन दिखा दे। एयर सस्पेंशन का यहाँ पे दिया हुआ है, ये बटन दिखा रहा आपको। ये बटन ऑन करने से गाड़ी अप एंड लिफ्ट, ऊपर नीचे हो सकती है। ओके, सो अभी डाउन करते हैं गाड़ी को, ऑन करना पड़ेगा। ओके, करो ठीक। ब्रेक छोड़ दो अभी। ठीक, सो भाई गाड़ी पूरी नीचे जा रही है, देख रहे हो लो लेवल यहाँ पर लिख कर आ चुका है, लो लेवल सस्पेंशन। गाड़ी ऊपर आ रही है ना, 3 सेकेंड प्रेस करने से गाड़ी अप होंगी और 3 सेकेंड तक वेट करें तो अच्छा। हाँ ओके, डाउन। सो अभी गाड़ी पूरी ऊपर हो चुकी है, एक बार वापस डाउन करते हैं, मैं बाहर जाता हूँ, बाहर से दिखाता अभी नहीं। सो बाहर आ चुके, सो अभी डाउन कर देते। हाँ, सो अभी करते डाउन, तो देखते गाड़ी डाउन कितनी होती है आगे से। देख रहे हो गाइस डाउन हो रही गाड़ी, देख रहे हो, आपको यहाँ से समझ में आ चुका हूँ। सो डाउन हो चुके हैं डाउन प्रॉपरली। हाँ, सो भाई फ़र्क तो आ चुका है, अब कैमरे में इतना जस्टिस नहीं हुआ बट है, डाउन तो हो चुके हैं। सो अभी अप कर दे। हाँ देख रहे हो अप। हाँ
अब हो चुका भाई। सो ये सब था कुछ एक्स्ट्रा। ऑफ रोड भी हो चुके हैं, अभी तो टू व्हील ड्राइव है, सो ऑफ रोड का बटन दबाते ही फोर व्हील ड्राइव हो चुकी है ना। सो ये सब कुछ थे चीज़ें। और यहाँ पर एक आपको डिजिटल प्लस एनालॉग वॉच मिलेगा, वॉच भी यहाँ पर, और स्क्रीन भी है टच स्क्रीन। सो बहुत भारी गाड़ी है ये, हॉर्न इजी देते। इंटरेस्टिंग चीज़ देखो। सो यहाँ पर मैं जैसे ही की एंटर करूँ ना, देखना क्या होगा ऊपर, देख रहे हो पीछे क्या हुआ, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। डाला भाई। सो गाड़ी है, लग्जरी भी है, ऑफ रोड भी है, अभी टू व्हील ड्राइव है, और जैसे मैंने आपको बताया ऑफ रोड बटन दबाते ही फोर व्हील ड्राइव गाड़ी हो चुकी है, हो जाती है। और यहाँ पर पैंडल शिफ्टर देख सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो पैंडल, पैंडल शिफ्टर है भाई, यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, और रूफ भी इसके अंदर। सो अभी पीछे चलते, ऊपर भी इतने सारे बटन से, सो एक टाइम पीछे जाने से पहले एक टाइम रूफ ओपन करके देखते हैं भाई। सो यहाँ पर की को ऑन कर देते गाड़ी को, ठीक है। सो एक टाइम से पीछे करके देखते भाई, देख रहे हो भाई रूफ ओपन चुका है। और एक और एक बार ये वाला ऊपर वाला रूफ तो शायद से नहीं, ऊपर वाला नहीं सी भी है, ऊपर वाली खुलता है। ये सब ही है पार्किंग लाइट से, इसके अंदर हैजार्ड लाइट है, हैजार्ड लाइट दबा दिया, हैजार्ड लाइट चालू, यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रहा है वहाँ पर भी, सो इसे ऑफ करते। और रूफ़ ओपन होने के बाद, सो चलो अभी रूफ़ को ऑफ करते भाई। सो यहाँ से अभी रूफ़ को ऑफ करते, रूफ़ ओपन है, सो अभी इसे बंद करते रूफ़ को। सो देख रहे हो बंद कर रहा हूँ रूफ़ को भाई, इजी वाला भाई, इतना मस्त लग्जरी फील आ रहा है ना, देख रहे हो पीछे। सो एकदम स्मूथ गाड़ी भाई, और बंद करते हैं और पीछे चलते भाई। देख रहे हो ऑफिस से काम स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हो इसके ऊपर मस्त पॉलिशिंग चालू है, उसके बाद में एक आपको एकदम अच्छे से सिनेमेटिक वीडियो देखेंगे। अभी चलते हैं पीछे, काम होने देते हैं, काम को डिस्टर्ब नहीं करते भाई। हाँ काम हो रहा है, पीछे आ जाते हैं भाई हम। सो डोर को बंद करते, चुका हूँ मिडल वाली सीट पे। सो एक टाइम यार आपको ऑफिस एक बार रूफ ऑन करके दिखाते, ओपन करते रूफ को ऑफिस एक बार, ऑफिस से सनरूफ को ओपन करते यार, मन नहीं हर रहा एक बार ऑफिस से सनरूफ को ओपन करते और पीछे से व्यू देखते कैसा आता है। ओपन करते हैं डोर, ओपन करते हैं, चलते हैं पीछे। सो इसे बंद, सो पीछे से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है करते, जैसे ये फोर सीट बैठे हो आगे दो और पीछे दो, सो यहाँ पर आप इजीली खोल सकते हो। सो ये मैंने ओपन करा और यहाँ पर आप आराम से अपने दो कप होल्डर है यहाँ पर आप रख सकते हो इजीली कप होल्डर, और कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो एकदम कंफर्टेबली। और पीछे से कुछ ऐसा सीन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर रूफ है और बीच में कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, देख रहे हो। और पीछे भी एसी दिया है भाई, देख रहे हो दो एसी। सो इसे ऊपर करते हैं भाई, ऊपर बैठे हम। सो और यहाँ पर एक लाइट है, देख रहे हो भाई यहाँ पर लाइट ऑफ कर सकते हो, लाइट की रोशनी कितनी है। सो मैंने किया लाइट ऑन, सो देख रहे हो लाइट हो जाती है अंधेरे में, अभी तो थोड़ा बहुत उजाला है बाहर। सो अभी चलते हैं बाहर, आपको बूट स्पेस और आगे का बम्पर उठा के दिखाते हैं आपको इंजन। सो चलो चलते हैं, का बोनट ओपन करते हैं। सो बोनट के लिए एकदम प्यार से इसे खींचना होगा, देखो कैसा खुलता है, देख रहे हो। सो इसे खोला, ये हो चुका है, इसे ऑफ करते भाई, गाड़ी बहुत देर से ऑन है और अंदर इसे वाला ठंडा माहौल हो चुका है। सो अभी इसे ओपन करते हैं भाई, थोड़ी मदद करो, ये एयर सस्पेंशन है। ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये पोर्श का इंजन, और एकदम गाड़ी इतनी देर से ऑन थी तो भाई हीट हो चुकी है थोड़ी सी, और यही कुछ है एयर कूलिंग यहाँ पर, क्या है शायद से लिक्विड कूल होगा, लिक्विड है, रेडिएटर है और बहुत कुछ होगा अंदर इंजन, और इतना हमें इंजन की मालूमत नहीं है बट जितनी थी आपको बता दिया। सो बहुत चीज़ें है इसके अंदर, और इंजन भाई दूर से ही दिख रहा है एकदम पावरफुल वाला, आपको कैमरे में लग रहा है एकदम छोटा इंजन है बट नहीं, इट्स अ वेरी बिग इंजन, क्योंकि गाड़ी का जो स्पेस है आगे का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, सो आपको लग रहा होगा इंजन छोटा है बट इंजन छोटा नहीं, इंजन बराबर ही है। सो
सो अभी बोनट को बंद करते हैं और दूर से आपको दिखा दो तो गाड़ी कुछ ऐसी लगती है, देख रहे हो ऐसी कितनी मस्त दिख रही है। सो अभी बोनट को बंद करते हैं और पीछे से आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। सो इजीली एकदम अच्छे से खींचो उसको, बंद हो चुका है। सो अभी की निकालते हैं। सो यहाँ पर ऐसे डिग्गी ओपन करते हैं, भाई डिग्गी ओपन हो चुकी है। इसकी बात करें तो इसके अंदर आराम से एक आदमी बैठ सकता है, एकदम सर्वाइव कर सकता है इजीली। और मजाक चाट के बोलूँ तो भाई गाड़ी एकदम मस्त बोले ना भाई, एकदम पोर्श। सो एकदम लग्जरी गाड़ी और उसके हिसाब से बूट स्पेस तो इतना अच्छा दिया है ना भाई। मजाक से हटकर बोलूँ तो भाई इसके अंदर दो तीन बड़े लगेज बैठ सकते आराम से। यहाँ पर भी आपको कोई चीज़ रखनी हो तो रख सकते हो आप, छोटे मोटे सामान। सो अभी इसे बंद करते हैं भाई, करते हैं इसको यहाँ से। सो ये बंद हो जाता है यहाँ पर इजीली, सब ऑटोमेटिक बंद हो गई गाड़ी। सो अभी आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए पोर्श कितना मस्त वाला लोगो दिख रहा है। सो गाड़ी पे थोड़ा बहुत काम चालू है। सो देख रहे हो यहाँ पर ये लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपसे फ्रंट लुक कैसे दिखता है और नीचे से भी। सो चलो लाइट भी ऑन करते हैं भाई यहाँ से, हैजार्ड लाइट ऑन, ये हैजार्ड लाइट चालू हो चुकी है वहाँ से। सो चलो दिखाते हैं आपको हैजार्ड लाइट। सो इसे बंद करते हैं। सो आते हैं इधर और आपको दूर से भी दिखाओ तो भाई देख रहे हो, हाँ नीचे का भी चालू हो रहा है, टाइम ऑन करो नो गए तो नहीं चालू हुआ नहीं। हाँ भाई ये क्या चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखा दूँ बंद करके। सो इसके अंदर जो फोर लेन शिफ्ट से आ रही लाइट, और दूसरी चालू करो। सो नीचे का चेक कर रहे भाई, कोई इतनी मालूमत नहीं है। हाँ ये बीच वाली शार्प लाइट हो चुकी है ऑन, देख रहे हो। हाँ नीचे वाली करो ना भाई, इतनी पावरफुल है ना भाई, देख नहीं सकता आपको, इतना कैमरे जस्टिस नहीं हो रहा बट भाई इतनी शार्प है ना भाई वो लाइट, कैमरे में तो जस्टिस नहीं हो सकता भाई, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो बहुत शार्प है लाइट। हाँ भाई देख रहे हो कैमरा भी एकदम चमक रहा, कैमरे में भी उसकी लेंस ठीक है। बस बंद कर देते हैं अभी इसको, आ जाओ हैजार्ड लाइट तो बंद करो ठीक है। सो गाड़ी को करते हैं बंद, ब्लॉग को यही एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग, ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आपके लिए पोर्श लिखा गया यार, एक टाइम कमेंट कर दो प्यार से कमेंट, हैशटैग पोर्श या फिर जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो कमेंट। और अभी इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और शाम के टाइम पे अभी गाड़ी की थोड़ी बहुत काम चालू है, देखो जैसे मैंने बताया उसके अंदर गाड़ी को अंदर लेके जाएंगे बर्लिन मोटर्स के अंदर। सो उधर से आपको एक थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा, सिनेमैटिक्स अभी बाकी है, सिनेमैटिक्स अभी इतने हुए। और अगर घर पे कॉल आने से पहले अगर मैं यहाँ पर आया तो सिनेमैटिक्स ले लूँगा ठीक है। सो ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कैसा लगा आपको ब्लॉग को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।